चाची, लगता है चाचू को अभी भी कुछ नहीं मिल रहा। आप पहले उन्हें तैयार कर दो। ओए, तुझे आज बड़ी शरारत आ रही है, हाँ? रुक। वाह जया जी वाह, आपको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। कितना अच्छा अभिनय करती हैं, आपको पता है? पुरस्कार तो तुम्हें भी मिलना चाहिए हैं? बेधड़क घुसाते हो जा घर में, कहूं ने देख लो ना तो सत्यानाश हो जावे को। आगे से जा घर में आने की जरूरत ना है, हमें मिलना होगो तो हम बाहर मिल लेंगे, समझे? अरे हम तो जन नौटंकी कर करके परेशान हो गए। जया जी, उसी बात का तो पुरस्कार देने हम यहाँ आए, 1000 बाबा के। मैं आपसे एक बात कहें, आपने जो अभिनय किया है ना उसके लिए 5000 क्या 50000 भी कम, मतलब आपके अभिनय में इतनी वास्तविकता थी ना, एक पल को तो हम भी डर गए थे। डरना भी चाहिए, और वैसे भी हमारे अभिनय को इतने सालों में कोई ना पकड़ पाओ है। वैसे तुम भी कम ना हो अलंकार, हम हमारी तो जी समझ में ना आ रहा है कि बाप पोटली सिबिका की तरफ कैसे चली गई, हमें तो जो समझ में ना आ रहा। जया जी, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, वो तो बस विज्ञान है। देखिए क्या हुआ था, हमने शिविका जी के दरी के नीचे एक चुंबक रख दिया था और नींबू में लोहे का तार लगा दिया था, फिर क्या था, चुंबक की तरफ लोहा खिंचता चला गया और शिविका जी पर इल्जाम लगता गया। शाबाश, बस अब तुम देखते जाओ अलंकार, जब शिविका को हमने ना कुचलने ना चबा दिए ना, तो हमारा नाम भी जया गुप्ता ना है। जया जी, ऊपर से देखने में आप एकदम सीधी साधी सरल सज्जन, परंतु अंदर से उतनी ही धूर्त हैं आप। ए मौददा, हमारी नौटंकी कामयाब कर दो। हमाओ दद्दा, अरे अगर इतने से गिरे तो सारी की सारी नौटंकी धरी रह जाएगी हमारी। जिस सिबिका को जा घर से निकालने के लाने हम कुछ भी करेंगे। अरे हमारी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, हमने तो सिबिका को इतने अपने नाटक में नौटंकी में फंसा लो, तुमने ओमकार को उलझाओ कि ना? ओमकार जी को हमने उस लाल साड़ी वाली औरत के पीछे उलझाए रखा है, तभी तो आपको यहाँ पे ये नाटक करने का अवसर मिल रहा है। हा? का लाल साड़ी, हम ये हमाओ दद्दा, जब मोड़ी कितने से आ गई थे। ए, कौन सी मोड़ी, कैसी मोड़ी? जाओ तू इतने से, बाने देख लो ना तो ढोल फट जावे को। जाओ 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 जाओ। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको तो आराम करना चाहिए ना। और ये किससे बात कर रही थी आप? We'll be right back.
अभी तो अच्छे से बात कर रही थी, अचानक क्या हो गया इन्हें? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इस तांत्रिक को बुलाना ही नहीं चाहिए था। सब लोग उसकी बातों में आ गए। अब घर में सबको यही लगेगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने जानबूझ के किया है। किसी को कुछ नहीं लगेगा शिव का, सब ठीक हो जाएगा। और जो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है ना, भाभी के ठीक होते ही ये भी ठीक हो जाएगा, देखना तुम। और एक बताओ, भाभी के लिए ना मैंने एक बहुत अच्छा साइकेट्रिस्ट ढूंढा है जो ऐसे ही केसेस में एक्सपर्ट है, और उनसे कंसल्ट कर लेते हैं। आई एम श्योर भाभी ठीक हो जाएंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे अरे, तुम दोनों कंटिन्यू करो, जब हो जाए तो मुझे बता देना, मैं यही हूँ। अरे डॉली, रुको, कहाँ जा रही हो तुम बाहर? और कुछ नहीं, मैं शिविका से बात कर रहा था, समझा रहा था उसे कि ऐसे सिचुएशंस में परेशान नहीं होते हैं। और तुम तो दोस्त हो, समझाओ इसे, बताओ कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ शिवी, सब ठीक हो जाएगा। तू मेरी बात छोड़, तू बता क्या हुआ? यार शिविका, मुझे लगता है कि ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तेरे साथ कुछ ठीक नहीं होगा। क्या मतलब? देखो ओमकार, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें घर में किसी पे शक नहीं होता जो शिविका को परेशान करना चाहता है? तू कैसी बातें कर रही है डॉली? घर में सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और किसी पर शक करना बहुत दूर की बात है डॉली। इस वक्त सब लोग भाभी को लेकर बहुत परेशान हैं, तुझे उनके बारे में सोचना चाहिए, ना कि मेरे बारे में। एक्चुअली शिविका, मेरा वो कहने का मतलब ये था। बात ये है कि मुझे नहीं लगता घर में ऐसा कोई भी है जो शिविका को परेशान करना चाहता है। और पहले जो भी गलत फहमियां थी वो दूर हो चुकी है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, I'm sorry ओमकार, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। And I'm sure, तुम दोनों मिलकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। चल, मैं जाती हूँ, ओके? बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। यहाँ भी नहीं है यार। शिविका, मेरा वॉलेट कहाँ है? उधर ही है ओमकार। अरे नहीं मिल रहा है, किधर? वही देखो, ड्रॉअर में ही रखा है। ओवर में। और क्या? घड़ी। शिविका, आप घड़ी घड़ी नहीं मिल रही है। ओमकार क्यों परेशान हो रहे हो? सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रख दिया है मैंने। चाची, आप मुझे तैयार कर रहे हो, उन्हें नहीं, इसीलिए वो परेशान हो रहे हैं। ओए दादी अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, मुझे ना तुम्हारी चाची की जरूरत नहीं है। अच्छा, देख मिल गया ना घड़ी, बेल्ट 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 कहाँ रख गया मेरा? उनका उधर ही रखा है कबर्ड में। हाँ,
कैसे बोलूं? चाची, लगता है चाचू को अभी भी कुछ नहीं मिल रहा। आप पहले उन्हें तैयार कर दो। ओए, तुझे आज बड़ी शरारत आ रही है, हाँ? रुक। चाची, बस आ गई। बाय बाय। एक पल को लगा कि कुछ हुआ ही नहीं, सब एकदम सही है। सब सही तो है शिविका, हम्म, और धीरे से सब ठीक हो जाएगा, देखना तुम। और थैंक यू निकी का इतना ख्याल रखने के लिए। थैंक यू, मैं भी चाची हूं उसकी। अच्छा ठीक, थैंक यू नहीं, आई आई लव यू। फोन, थैंक यू। मैं जा रहा हूँ बैंक, और बैंक जाने से पहले भाभी से मिल लेता हूँ, ठीक है? चलो बाय। ये माया तो बड़े अच्छे से खेल ले, हमें ना रुक कैसे खेलते। जी जी जी, मैं फाइल सबमिट कर दूंगा। श्योर सर जी। हमें कुछ ना करो, हमें जाए दो। भाभी, भाभी जा जा, मार दी वो। हमें कुछ ना करो। भाभी उठिए, आइए। जा, मैं जान ले लेगी बुआ। कोई कुछ नहीं करेगा भाभी, आइए आप मेरे पास, मेज में साथ आइए। उठिए उठिए उठिए, आइए बैठिए यहाँ पर। हाँ बा, मैं मार देगी बुआ। नहीं नहीं नहीं, कोई कोई कुछ नहीं करेगा भाभी, मैं हूँ ना, है ना, जगत भैया, मंगल भैया, हम लोग सब है ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, है ना? आप ठीक हैं, एकदम ठीक हैं। ये दवाई लीजिए भाभी। ना बुआ, हम जा दवाई नहीं खाएंगे, जैसे हमें बहुत नींद आती है। ठीक है ना भाभी, नींद की जरूरत है, आप दवाई खा के सो जाएंगी, है ना? आप जितना रेस्ट करेंगी, आराम करेंगी, उतनी जल्दी ठीक होंगी। लीजिए, चलिए। भाभी मैं ले आता हूँ। फोन करके मैं ला रहा हूँ, फोन ला रहा हूँ, कुछ नहीं होगा भाभी, मैं लेके आता हूँ। फोन करके जान ले लेगी, जान ले लेगी हमारी, मारेगी हमें, जब फोन कर करके मार देगी हमें, मार देगी। नहीं नहीं नहीं, बता रहे हैं, भाभी मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। भाभी, बुआ, हाँ, हम इतने क्या कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारे पे हाथ तो ना उठाओ ना। हाँ, ये फोन कैसे टूट गया? कुछ नहीं हुआ भाभी, हम जानबूझ के कछु ना कर रहे, सच बता रहे, हमने कछु ना करो। नहीं नहीं, कुछ नहीं किया भाभी, हमें कछु समझ ना आ रहा है, जी क्या हो रहा हमारे साथ। पापा आइए, आप बैठिए बैठिए। हमें बहुत डर लग रहा है बुआ, मार देगी। नहीं, नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा भाभी, कोई कुछ नहीं करेगा, डरने की कोई जरूरत, मैं हूँ ना आपके साथ। अपने कुछ ना करो बाबा। हाँ, मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया भाभी। आप सो जाइए।
आप आराम कीजिए, आप सो जाइए, सोइए। मैं सो लगो जैसे उते कहूँ हमा हमा हाथ खींच लो, अपने कचरा करो बाबा। हाँ भाभी, आपने कुछ नहीं किया मुझे। अब सच कह रहा हूँ, बहुत डर लग रहा है। देखो मैं हूँ ना आपके साथ। नहीं नहीं डरना है, मैं हूँ भाभी आपके साथ। आई एम सॉरी भाभी, ये आप लोगों की टोना टोटका, ये काला जादू की बात को मैं विश्वास नहीं करता ना भाभी इन बातों पे, इसलिए मैं मान नहीं रहा था। इना मुझे लगता है आप सब सही कह रहे थे। टेंशन मत लीजिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे विश्वास है आपकी बात पर। आपको साइकेट्रिस्ट की नहीं, तांत्रिक की जरूरत है। बचा लो वो। कुछ नहीं होगा भाभी आपको, आप टेंशन मत लीजिए, है ना, सब ठीक होगा। मैं कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ निकालूंगा भाभी। ओंकार, ये तुम क्या कह रहे थे? मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। भाभी मैं आपका फोन ठीक करवा देता हूँ। ये ओंकार को क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहा है? आप आराम कीजिए और किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता दीजिए। आता गुरु, का हुई हुआ? और जी किस में बुला लिया हमका? यार जीएसटी एक अर्जेंट बात करनी थी। अर्जेंट? और डॉली आई एम सॉरी, कल मुझे और शिवका को तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ताली बजाओ। वाह बहुत सही, मतलब अब हम लोगों के बीच में सॉरी थैंक यू वाला कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। वे तुमका हम अच्छे जानते हैं, बात कुछ और है ना? यार जीएसटी एक बात मन में खटक रही है यार तब से, और मैं बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा। हाँ? कैसे बोलूं? अबे आपका सस्पेंस में मारोगे का? बताओ ना क्या हुआ। बात सुन के हमारा दिमाग मतलब भूकंप भाई गवा यार। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये ससुरा अलंकार जया भाभी का काहे कॉल करेगा? यही तो पता लगाना है। ओमकार मैं जानती हूँ कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है, इसीलिए कल मैंने अपनी बात घुमा फिरा के कहने की कोशिश की। दरअसल बात ये हुई थी कि आई डाउट कि कल रात भाभी जी से बात कर रही थी ना, वो अलंकार ही है। क्या बात कर रही हो? हाँ हो सकता है भाई, जीएसटी वो मुझे और मेरे परिवार को परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। ये बात है, भाभी को बहकाया होगा, डराया धमकाया होगा। नहीं तो तू ही सोच, भाभी ऐसा कर सकती? अरे करना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकती भाभी, जान छिड़कती है अपने परिवार के लिए। अलंकार ने ही भाभी को भ्रमित किया है, मैंने भाभी का फोन बनवा लिया है। ओंकार मुझे लगता है कि हमें इस सब के बारे में शिविका को बता देना चाहिए। नहीं, इसके पहले कि भाभी पर उंगली उठे, शिविका ये सब का इल्जाम अपने सर पर ले लेगी। यार पर बात का तो क्लियर करना पड़ेगा ना। हाँ तो करेंगी ना, पर ऐसे नहीं। फिर
मैंने कुछ सोच रखा है, पर पहले उसके लिए इस पूरी कहानी का सच जानना पड़ेगा। पहले सच जानते हैं और फिर कुछ करते हैं।